चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पूर्णी नदी के तट पर। अगला है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? सोलंकी शासकों ने। अगला, हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना के पलायन से। अगला है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला है क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ? हेमू तथा अकबर के बीच। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड स्पिन को। अगला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? जहांगीर का। अगला है क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन का विरोध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया था? बीए स्मिथ ने। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये थे बीए स्मिथ। अगला है, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? महेंद्रपाल के दरबार को। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? मेहर भोज को। अगला क्वेश्चन है, कुल मनसबदारों ने में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासन काल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? औरंगजेब के शासन काल का। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वादशा अभिलेख। अगला है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला है, किसने किसके बारे में कहा था कि हम इसे जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कालीकट में वास्को डीगामा का स्वागत किया? जरमरी ने। अगला है, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुविख्यात नाम है, किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ? ये थे शुंगवंश, शुंगवंश। अगला है, वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजज्ञान शाखा को कहता था? तो ये था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला है, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? पेशवा। अगला क्वेश्चन, मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है? इत्मादौला का मकबरा आगरा। अगला है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेइमेकस और पेट्रोक्लिस। अगला है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बौद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं? जातक। अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बौद्ध का जन्म तथा मृत्यु में हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। अगला है, गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। अगला है, ईसा पूर्व 6 सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ के काल में हुआ? गुप्त के।
अगला है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा? फारनाओ नूनीज ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लव शासन को। अगला क्वेश्चन है, भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिन के समय में। अगला है, यज्ञ बलक और गार्गी संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी गैंडा वाघ अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं था? अश्व घोड़ा। अगला है, चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, किस नगर को कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया? देवगिरी को। अगला है क्वेश्चन, प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच था? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की? कवि रवि कीर्ति ने। अगला है, भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम था? बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांतों तैमूलंग ने भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। अगला, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु भाषा का। अगला है, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र था? नार नील और मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, सेवड़ बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? ये था चामुंडराय ने। अगला है क्वेश्चन, शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मक का युद्ध किसने बीच किसके बीच हुआ था? किन किन के बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। अगला क्वेश्चन है, फतुहात ए आलमगिरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता थी के लेखक थे? ईश्वरदास। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? बहादुर शाह फर्स्ट का। अगला है, यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का? विंसेंट ए स्मिथ की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? सालवाई की संधि से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक समाज में गुप्ता शब्द का प्रयोग होता है राजा के लिए। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्य नर्तकी की नग्न प्रतिमा उसकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है यह किस धातु से बनी है? कांस्य से। अगला है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की थी? घनानंद को। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया? दीनार। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित और कादंबरी। अगला है क्वेश्चन,
चौगान खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना, राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना, वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिणों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई है, उसके 8 मंत्री नामजद किए थे, इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अगला, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था, चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? ये थे मंगल पांडे।